नमस्कार सखियों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सात्विक दूध बनाने के लिए, जो बनाना बहुत आसान है और पीना बहुत टेस्टी है। इसे बना के आप बहुत अच्छे से पिए और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत ही अच्छा टेस्टी होता है। ये हमने ले लिया है मूँगफली, देखिए ये है मूँगफली, कच्ची मूँगफली है। इसे हमने रात भर के लिए भिगो के रख दिया है। इसका छिलका ऊपर वाला एकदम से सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए ऐसे आप ऐसे इसे थोड़ा सा इसे ऐसे हाथों से रगड़ेंगे तो इसका ऊपर वाला छिलका निकल जाएगा और ये नीचे वाला गूदा जो है एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगा। इसे हमने रात भर के लिए भिगो के रख दिया है इसका, लेकिन बीच बीच में आप इसका पानी चेंज करते रहिए, क्योंकि अगर ये पूरी रात ऐसे रह जाएगा तो थोड़ा सा इसका पानी गाढ़ा हो जाता है, धुंधला जैसा हो जाता है तो चिपकने लगता है। इसकी वजह से आप इसमें जब सुबह उठिए तो तुरंत इसे इसका पानी अच्छे से साफ़ करिए, इसको साफ़ कर लीजिए, फिर दूसरा पानी इसमें रख दीजिए, उसके बाद से आप इसे पीसिए। देखिए हमने साफ़ कर दिया है, इसका पानी एकदम से बढ़िया है, हमने इसे धुल दिया है अच्छे से। अब इसे रगड़ रगड़ के आप इसका ऊपर वाला छिलका आपको निकालना है। आप इसे रगड़ेंगी बहुत ही आसानी से इसका छिलका निकल जाएगा। देखिए ये मेरा साफ हो गया है, अच्छे से सारा छिलका निकल गया है, एकदम ऊपर नीचे वाला गूदा है सफ़ेद सफ़ेद, बहुत ही सुंदर है। अब इसे हम डालेंगे मिक्सी में, इसे हम डाल के मिक्सी में एक पेस्ट जैसा बनाएंगे। मिक्सी में डाल दिए, अब इसमें डालेंगे पानी। इसमें डालेंगे हम एक कटोरी भर के पानी, ढक्कन को बंद करेंगे, अच्छे से इसे पीस लेंगे। देखिए कितना बढ़िया दूध बन गया है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया दूध बना है। अब इसे हम छानेंगे। आपको लेना है ऐसे कपड़ा, अगर आपके पास पतला वाला कपड़ा है तो आप पतला वाला कपड़ा ले सकती हैं, ये भी पतला वाला कपड़ा, आपको काटन वाला कपड़ा लेना है। देखिए ये है रुमाल, हमने रुमाल ले लिया है, इसे हम ऐसे छानेंगे, सारे दूध को अच्छे से पकेंगे, ठीक हो, इसे अच्छे से छानेंगे। इसे आपको दिखाएं कितना थोड़ा सा था, अब आपका निकल गया आधा लीटर इसमें दूध, और बहुत ही बढ़िया, बहुत टेस्टी है, पीने में बहुत अच्छा लगता है। इसे आप गर्म करके भी पी सकती हैं, तब बढ़िया दूध बन गया आपका। देखिए कितना बढ़िया दूध बन के तैयार हो गया है। इसे जब हम व्रत रहते हैं तो आप इसे व्रत में यही दूध पीजिए, क्योंकि बाहर वाला दूध जो होता है मार्केट वाला दूध वो सात्विक नहीं होता है, वो काफ़ी दिनों लोग रखते हैं पैकेट उसका, इसलिए क्योंकि उसमें केमिकल मिला रहता है, इसलिए वो सात्विक भी नहीं रहता है। या आप अपने घर पे बनाएंगे अपनी आँखों के सामने तो आपको विश्वास भी होगा और पीने में अच्छा भी लगेगा और सात्विक रहेगा। देखिए कितना बढ़िया दूध बन के तैयार हो गया, और इसमें से जो निकला हुआ है देखिए राधा जैसा निकला है, इसमें थोड़ा सा पानी डालिए और इसका आप चटनी बना के खाइए, सांभर वगैरह में खाते ना चटनी, देखिए इसका चटनी भी बन जाएगा आपका और ये दूध भी बन गया। कितना बढ़िया दूध बन गया है। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन दबा के मुझे मोटिवेशन दें, मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए, वीडियो को लास्ट तक देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।